अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। अगर आप नए मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन। वही हुआ जिसका डर था। आज ही के दिन इंडिया में 3 और पाकिस्तान में 1 8:27 पे केस रजिस्टर्ड हुआ है कोरोना वायरस का। याहिया नामी कोई शख्स है जिसने ईरान से ट्रैवल किया था, 22 साल उम्र है उनकी, और उनका जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने चेक किया तो कोरोना वायरस पॉजिटिव आया। अब ये कहानी रुकने वाली तो नहीं है, क्योंकि इंसान से इंसान पे जो भी मर्ज़ आज से पहले फैला है वो रुका नहीं है। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इसे कम से कम श्रिंक कर सकते हैं अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज और बेस्ट ऑफ प्रिकॉशंस, और जो डॉक्टर्स वगैरह और जो भी ऑथेंटिक मीडिया हमें सजेस्ट कर रहा है उसको यूज़ करके। तो ऑथेंटिक मीडिया और सोशल मीडिया और डॉक्टर जो आजकल रिकमेंड कर रहे हैं हमें, शुरू से ही बल्कि कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप हाथों को अपने ज़्यादा से ज़्यादा धोएं, क्योंकि हैंड आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन में रहता है हर चीज़ के। नंबर 2, आप फजूलियात अपने बिल्कुल तर्क कर दें। जो भी फजूलियात है, फजूलियात से मुराद आप का खाम खा बाहर जाना, खाम खा की गैदरिंग, खाम खा की मीटिंग्स जो हैं वो आप तर्क कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसे एटमोसफेयर में रहें जो सेफ़ एंड सिक्योर हो आपकी और आपकी फैमिली के लिए। उसके अलावा प्रिकॉशंस जो हैं वो हेल्दी प्रिकॉशंस आप ले ही रहे हैं साथ, जिस तरह ये हैंड वॉशर वगैरह। अगर खुदा ना खास्ता किसी को थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है फील, जैसे ही फीवर या कफ वगैरह कुछ फील करता है, तो फौरन अपने कंसल्ट से डॉक्टर से कंसल्ट करें विदाउट एनी लाइक डिले के, यार अब ये वैसे ही होगा, देख लेंगे, कर लेंगे, कल जाऊँगा, परसों जाऊँगा। उससे क्या होगा कि आप तो अल्लाह ना करे होंगे ही परेशान, लेकिन आपके साथ जो कुर्बो जवार में रहने वाले लोग हैं, आपकी अपनी फैमिली, आपके मोहल्लेदार पड़ोसी, वो भी शायद आपको हो चुका हो और आप आज कल परसों के चक्कर में अवॉइड कर रहे हो, तो उन तक भी वो पहुंच ना जाए। तो अपना और अपनी फैमिली का और अपने कुर्बो जवार के लोगों का, पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखें। जैसे ही आपको थोड़ा सा भी सिम्टम फील होता है, यू मस्ट गेट टू द डॉक्टर, लाइक फ़ौरन जाके अपना चेक करवाएं, ताकि इन टाइम आपकी भी रिकवरी हो जाए। ये रिकवरेबल है, इसमें कोई ऐसी पैनिक होने वाली बात नहीं कि एक दफ़ा कोरोना हो गया तो बस फिर कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे रिकवर हुए हैं और सेहतमंद होकर हशाश बशाश होकर घूम भी रहे हैं। अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाता हूँ। बेसिकली एक CNA चार्ट एक डेवलप किया है, एक सॉर्ट ऑफ ऐप है लाइव, वो उस पर लाइव अपडेट चलती है पूरी दुनिया में इस वक्त कितने केसेस हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं, कितनी मॉर्टलिटी हुई है, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं। हर सेकंड में वो अपडेट हो रही है उसकी, हर सेकंड में, मतलब वो फुल अपडेटेड मैप है। अगर आपको अपडेट रहना है कि कौन से मुल्क में कितने केस हुए हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, 4% इसका मॉर्टलिटी रेट है तकरीबन, जो लोग, मतलब 100 में से 4 लोग जो हैं, अगर 100 लोगों को कोरोना हो रहा है तो 4 लोग उसमें से इंतकाल कर रहे हैं, बाकी 96% लोग अल्लाह के हुक्म से वापस सेहतयाब होकर अपनी रूटीन लाइफ बसर कर रहे हैं। अब इस कोरोना की पैनिक क्यों फैल गई इतनी, इस कोरोना की पैनिक बेसिकली सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा फैली है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आती है तो हर बंदा उसी को फोकस करके और वो ट्रेंड के चक्कर में अपना जो है ना वो वीडियोस चलाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए। आप टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, कुछ भी उठा लें, इंस्टाग्राम, आपको हर जगह कोरोना ही कोरोना नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग चल रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं, और वो सर्च में फिर लोग जो कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ तो मतलब इमोशनल टच देके और पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं खुद जानबूझ के, बगैर लोगों को काम करने के, सकून और तसल्ली दिलाने के, अपने व्यूज़ और अपने लाइक्स और अपने शेयर्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं लोगों। तो आप पैनिक ना हो, 4% इसका टोटल मॉर्टलिटी रेट है, और ये एक इबोला जो आया था अफ्रीका में उससे बहुत लो इंटेंसिटी का, बहुत लो इंटेंसिटी, मतलब वो इबोला की जो थी वो 50% मॉर्टलिटी रेट थी, 50% मतलब 100 में से 50 आदमी फारिग हो जाते थे, तो इसकी सिर्फ 4% है। तो आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, लेकिन ख्याल ज़रूर रखें। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है, जैसे स्पेशली कराची में एक केस हुआ है, कराची की इट सेल्फ ही जो है वो समझ लें कि मर्दमशुमारी के हिसाब से थोड़ी ही, लेकिन वैसे 2.5-3 करोड़ आबादी है कराची की। तो 2.5-3 करोड़ लोग समझ लें इस वक्त स्टेक पे हैं, रिस्क में हैं। उन 2.5-3 करोड़ों को आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे को सपोर्ट और कोऑपरेट करके अपने आप को बचाना है और अपने प्यारों को बचाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें अपना और अपने कुर्बो जवार का, और जैसे ही आपको कोई सिम्टम फील होता है मेहरबानी करके फौरन डॉक्टर से रिजू करें। परेशान ना हो, पैनिक ना हो, यार क्या हो गया ये मुझे, कैसे हो गया, जाएं स्ट्रेट अवे, किसी को भी हो सकता है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जस्ट बी फ्री, रिलैक्स एंड गेट योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच।